हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मेरा नाम मानसिंह राठौर है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के बारे में। दोस्तों, एक न्यू ट्रेडर जब सुबह 9 बजे के बाद डीमैट अकाउंट भी लॉगिन करता है, उससे पहले वो सोच लेता है कि आज तो हमें शेयर मार्केट में ट्रेड लेना है, आज तो शेयर मार्केट से पैसा कमाना है, और वो किसी स्टॉक में ट्रेड ले भी लेता है। लेकिन वो देखता है कि कुछ समय बाद शेयर का प्राइस डाउन जाने लगा, तो उसको वेट उतना ज़्यादा होता नहीं है, कुछ ही टाइम में घबराता है और वो उस शेयर को सेल कर देता है। कुछ टाइम बाद देखता है तो फिर से उस शेयर का प्राइस ऊपर जाने लगा। तो दोस्तों, ये तो हुआ नए ट्रेडर की बात। वहीं पर एक एक्सपीरियंस ट्रेडर सुबह ये सोचता है कि चलो आज हम देखते हैं मार्केट में ट्रेड लेने का कोई चांस बनता है या फिर नहीं। वो चार्ट को निहार रहा होता है और एनालिसिस कर रहा होता है, और जब उसको अपॉर्चुनिटी दिखती है तो वो ट्रेड लेता है, और नहीं दिखती है तो वो नहीं लेता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि वो चार्ट पर क्या एनालिसिस कर रहा होता है और क्या वो देखता है तब वो ट्रेड प्लान करता है। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है इस वीडियो में कि चार्ट पर कुछ कैंडल बन रहे होते हैं, तो कैंडल देख के हमें पता चलता है कि मार्केट में क्या होने वाला है, मार्केट अप ट्रेंड में जाने वाला है या फिर मार्केट में डाउन ट्रेंड आने वाला है। तो दोस्तों, मैंने कैंडल के बारे में आपको बता दिया है और इस वीडियो में आपको पैटर्न के बारे में बताने वाला हूँ। तो चार्ट पर जो पैटर्न बनता है उससे भी डिसाइड होता है कि मार्केट में अब अप ट्रेंड आएगा या फिर डाउन ट्रेंड आएगा। तो दोस्तों, वो कौन कौन से पैटर्न है जिससे मार्केट में अप ट्रेंड आता है और वो कौन कौन से पैटर्न है जिससे मार्केट में डाउन ट्रेंड आता है, तो आइए सीखते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो के एंड में अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। तो देखो, टेक्निकल एनालिसिस की कहानी होती है यहाँ से स्टार्ट, इसको बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताया है। अगर मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ तो आप इस वीडियो को स्किप करोगे, इस बात को मैं जानता हूँ, तो इसीलिए मैं ज़्यादा आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में नहीं बता रहा। लेकिन अगर आपको जानना है तो आप हमारा लास्ट वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको कैंडल स्टिक के बारे में भी पता चलेगा। इसके बाद दोस्तों आता है पैटर्न। तो पैटर्न एक तो होता है डबल बॉटम और दूसरा होता है डबल टॉप, ठीक है। अब देखिए, ये जो डबल बॉटम है ना, तो इसका आकार कुछ डब्लू के जैसा होगा, और वहीं पर जो डबल टॉप है ना, तो इसका आकार कुछ एम के जैसा होगा। तो डबल बॉटम हमें बताता है अगर ये इतना बनता है, ठीक है, और मान लीजिए इधर से ऊपर से आ रहा था मार्केट और यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, अब यहाँ तक आ गया, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि अभी यहाँ पर पूरा डब्लू बनेगा, तो इसको मार्केट तोड़ के ऊपर जाएगा तब डब्ल्यू बनेगा। तो आप अपना यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप जैसे ये ब्रेकआउट को तोड़ता है, ठीक है, आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं और यहाँ पर आप ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप ऑर्डर लगाएंगे और तो आप ऊपर तक का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, ये देश तो देखिए, ये है डबल बॉटम, तो ये यहाँ पर देखो ऊपर से आया है, सेम देखो इसकी तरह ये ऊपर से आया है, ए आया ऊपर से, ए डब्लू बना है तो यहाँ से ऊपर गया। अब देखो यहाँ पर है, यहाँ पर ये है, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये मार्केट गया है, लेकिन थोड़ा सा ये डाउन आया है और फिर ये ऊपर ही गया है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको ये पैटर्न भी पता होना चाहिए, साथ ही कैंडल कौन से बन रहे हैं तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब दोस्तों, इसके बाद हम लेते हैं डबल टॉप वाला, तो ये हमें बियरिश मार्केट की ओर इशारा करता है। अब देखिए यहाँ पर ये बना है डबल टॉप, एक टॉप एरा, एक टॉप एरा, आकृति इसकी एम अक्षर के समान है। तो यहाँ पर देखिए मार्केट ये एम के नीचे आया है, मतलब नीचे वाले हिस्से पर आया है, और यहाँ से फिर ये और डाउन गया है, तो आप यहाँ तक का प्रॉफिट बुक कर सकते थे। इसने सपोर्ट को तोड़ा है, ठीक है, तो सपोर्ट को तोड़ के बाहर निकला है, तो आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं और आगे का आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है नंबर हेड एंड शोल्डर का। तो इसमें आदमी के कंधे का जैसा दो कंधे बनते हैं और ऊपर एक सिर बनता है। देखिए मार्केट दोस्तों ये ऊपर जाके बनता है, मतलब कि रेजिस्टेंस की साइड, तो ये नीचे से मार्केट आया है, ये यहाँ पर बना है, इसके बाद मार्केट डाउन गया है, फिर ये गया है, फिर इसके बाद मार्केट आया है, फिर यहाँ पर गया है। तो दोस्तों अगर ये तीन चीज़ें बन जाती हैं ना, एक कंधा, ये दूसरा कंधा, फिर इसके बाद ये अगर हेड भी बन जाता है, ठीक है, इसकी इसीलिए दोस्तों इसका नाम हेड एंड शोल्डर, तो ये शोल्डर भी इसके बन गए, इसका हेड बन गया। अब यहाँ से मार्केट डाउन में जाना है, क्योंकि ये पैटर्न अब पूरा होगा, हेड एंड शोल्डर बना है तो ये पूरा नीचे तक भी आएगा, तब ये ऊपर चीज़ें शो होंगी, तो इसके बाद दोस्तों
डाउन ट्रेंड आता है, मतलब कि हेड एंड शोल्डर को हम बेयरिश ट्रेंड बोलते हैं। अब इसके बाद आता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर, इसका मतलब होता है बुलिश। तो ये देखिए, ये दोस्तों हेड एंड शोल्डर का बिल्कुल उल्टा होता है। तो ये चीज़ें अगर आप जान जाते हैं तो आप अच्छे तरीके से अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो जब आप किसी भी स्टॉक को छांट लेते हैं कि आज मुझे इस स्टॉक में ट्रेड करना है, इसके बाद आपको टेक्निकल एनालिसिस करना होता है, तो आप एंट्री उस स्टॉक में कहां पर लेंगे, तो वो आपको ये देख कर ही पता चलता है। इस तरीके से दोस्तों ये देखिए मार्केट अप ट्रेंड में, ये नीचे आया है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका पैटर्न है तो ये सपोर्ट की साइड बनेगा, मतलब कि ये लेफ्ट शोल्डर राइट सेंडर हेड बन गया। अब इसके बाद दोस्तों ये यहाँ पर है, अब ये पैटर्न पूरा होगा तो कहीं ना कहीं बात है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब कि इतना यहाँ पर जाने की संभावना रहती है, ठीक है, इतना ही फिर से रिटर्न करेगा। अब इसके बाद आता है ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम, ठीक है। तो ये देखिए अभी आप ट्रिपल टॉप पैटर्न देख रहे हैं, तो इसमें ये तीन टॉप बनी है, एक दो तीन टॉप बनी है। अब इसके बाद मार्केट डाउन आएगा, मार्केट कितना डाउन आएगा तो देखिए यहाँ पर है, इतना ही यहाँ पर इसकी डाउन जाने की संभावना है, या फिर और इससे भी ज़्यादा मार्केट डाउन जा सकता है। तो ये ट्रिपल टॉप पैटर्न है, तो ये बियरिश मार्केट की ओर इशारा करता है कि अब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। तो एक दो तीन, तीन टॉप बनने के बाद अब इसका एक उल्टा होता है, उसको बोलते हैं हम ट्रिपल बॉटम। ये देखिए दोस्तों, ये है आपका ट्रिपल बॉटम। तो ट्रिपल बॉटम में देखिए मार्केट यहाँ से आया है डाउन में, इससे दोस्तों ऊपर भी आया होगा, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझा रहा हूँ। तो ये देखिए डाउन ट्रेंड चलने के बाद ये आपका सपोर्ट एरिया में बना है, फर्स्ट बॉटम, सेकेंड बॉटम और ये ट्रिपल बॉटम। अगर ये तीन बॉटम बन गए हैं ना, तो इसके बाद भी मार्केट डाउन जाएगा, तो सॉरी अप जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हेड एंड शोल्डर से मिलता जुलता है ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम। कहने का मतलब ये कि ये थोड़ा सा ऊपर यहाँ तक नहीं आ पाता है, यहाँ पर जो सपोर्ट होगा ना उस पर ये बराबर पर बनेंगे ट्रिपल बॉटम, ठीक है। तो इसके बाद मार्केट बुलिश जाएगा। अब इसके बाद इसमें दोस्तों कुछ ट्रायंगल भी बनते हैं, तो उनके बारे में भी हमको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आप लाइव मार्केट में देखते हैं तो लोग आपको स्क्रीन पर बताते हैं, लाइव आप यूट्यूब पर देखते हो ना, तो वह ऐसे डंडी खींच देते हैं और आपकी समझ नहीं आता कि ये इन्होंने क्यों खींच दिया। तो उन्होंने ये चीज़ें पढ़ी हैं, उनको ये चीज़ पहले से पता है। तो दोस्तों इसको बोलेंगे हम असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, इसका संकेत होता है कि मार्केट बुलिश जाएगा। तो असेंडिंग में दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, तो मैं आपको बता दूँ कि इसकी ये वाली भुजा ना तो बिल्कुल सीधी होती है, ये वाली ऊपर वाली भुजा, तो इसको हम असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं। और नीचे वाली होती है ऐसे, मतलब कि झुकी, देखिए ए वाली ऐसे सीधी जाएगी। मैं यहाँ पर एक दूसरा पेज ले लेता हूँ दोस्तों। ये मैं आपको इसीलिए डीप में समझा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको और भी ट्रायंगल के बारे में बताने वाला हूँ, तो आपको समझ आना चाहिए ना कि ये कौन सा ट्रायंगल है। तो असेंडिंग ट्रायंगल में ए वाली भुजा होगी बिल्कुल सीधी, ठीक है, और ए वाली होगी झुकी हुई, तो इसको हम बोलेंगे असेंडिंग ट्रायंगल। और जब ये ट्रायंगल बनता है ना, तो देखिए किस तरीके से बना है, मार्केट ऐसे आया है, फिर इसके बाद मार्केट बुल गया है, मतलब कि बुलिश हुआ है। तो दोस्तों ये यहाँ पर बुलिश बताता है कि मार्केट अब बुलिश जाएगा। तो अगर ए ट्रायंगल बनता है ना, तो आप वेट करिए कि कब इस रेजिस्टेंस को तोड़ के मार्केट जाता है, ठीक है। तो ये रिवर्स पैटर्न है, मतलब कि मार्केट ऊपर से आ जाए तो अभी ऊपर ही जाने की संभावना है, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए, इसको असेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं। इसके बाद असेंडिंग ट्रायंगल का ये एक और एग्जांपल है। तो जब ये असेंडिंग ट्रायंगल बनता है, आप ब्रेकआउट के बाद एंट्री ले सकती हैं, और इसके बाद आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे एंट्री और रेजिस्टेंस के बीच में, ठीक है। तो दोस्तों ये और आप आगे का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसके बाद ये असेंडिंग ट्रायंगल है ना, फिर आता है नंबर डिसेंडिंग ट्रायंगल का। ये देखिए डिसेंडिंग ट्रायंगल में दोस्तों अंतर इतना होता है, इसकी भुजा ये ऊपर वाली सीधी थी, डिसेंडिंग ट्रायंगल में नीचे की भुजा सीधी होती है और ए वाली भुजा ऐसे झुकी हुई होती है। और जब ये वाला पैटर्न बनता है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में अब डाउन ट्रेंड आने वाला है। तो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे, यहाँ पर एंट्री लेंगे और आगे का आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे, मतलब कि यहाँ पर आपको शॉर्ट सेलिंग करनी रहेगी, ठीक है। समझ आ गया इसके पीछे क्या है, इसके पीछे है सेमेट्रिकल ट्रायंगल। तो दोस्तों ये आप यहाँ पे देख सकते हो, तो सेमेट्री ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बनेगा। सेमेट्री ट्रायंगल का ये और एक हमारे पास प्रिंट आउट है। तो दोस्तों इसमें क्या है, ये ऊपर जितना लोअर हाई गया है उतना ही ये हायर लो भी जाता है, मतलब कि जितना ऊपर गया है उतना ही नीचे, जितना ऊपर इतना यहाँ पर टच हुआ है। तो इसका मतलब दोस्तों ये है, देखिए ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बनेगा,
ऐसे बनेगा, ए भी झुका होगा, ठीक है, ए सही से नहीं झुका, मतलब कि ए भी झुका होगा और ए भी झुका होगा। और जब ए ट्रेंगल बनता है ना, तो इसके बाद मार्केट किसी भी दिशा में जा सकता है। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो ये यहाँ पर देखिए ऊपर की दिशा में गया है और ये नीचे की दिशा में जा सकता है। तो दोस्तों इसको हम सिमेट्री ट्रेंगल बोलते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इंपोर्टेंट चार्ट पैटर्न है, इन पर ट्रेडर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। अगर ये आपको लाइव मार्केट में देखने के लिए मिलते हैं तो आप भी अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है, और भी अगर आप हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।